आज मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह से मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतारें नजर आई। हर कोई वोट डालने के लिए उत्सुक नजर आए। वहीं पवई विधानसभा क्रमांक 58 से कांग्रेस प्रत्याशी और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री मुकेश नायक अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। उन्होंने नगर परिषद स्थित मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके साथ नए युग की शुरुआत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। जनप्रिय नेता माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मध्य प्रदेश में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में हम पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ आगे बढ़ेंगे।